शुरुआत कैसे हुई बिम्स्टेक की और क्यों इसका सेक्रेटेरिएट जो है वो ढाका में बना? बिम्स्टेक ये 7 देशों से मिलकर बना है जो आपस में क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पे काम कर रहे हैं। तो इन आपस में किस तरह का इन 7 देशों से सहयोग मिल रहा है एक दूसरे को, जब चाहे मैरीटाइम ट्रेड की बात आती है या ट्रांसपोर्ट कॉपरेशन की बात आती है, सिक्योरिटी की बात आती है, एनर्जी सेक्टर में कॉपरेशन की बात करें, तो ग्रिड कनेक्टिविटी मास्टर प्लान क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपनी कार उठाएं और कोलकाता से सीधे बैंकॉक पहुंच जाएं? क्या सड़क के रास्ते भारत से सीधा थाईलैंड पहुंचना संभव है? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बिम्स्टेक के सेक्रेटरी जनरल इंद्रमणि पांडे जी। स्वागत है सर आपका हमारी चर्चा में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर अपना समय देने के लिए। मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगी कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी के आसपास 7 देश हैं, वो मिलकर बहुत सारे इश्यूज पर काम कर रहे हैं, बहुत सारे मुद्दों पर वो हैं, उनमें से एक कनेक्टिविटी भी है। क्या ये संभव है कि हम सीधे कोलकाता से यानी दिल्ली से अपनी गाड़ी उठाएं, कोलकाता जाएं और फिर कोलकाता से सीधे बैंकॉक पहुंच जाएं? क्या इस तरह के किसी इनिशिएटिव्स पर काम हो रहा है? जी, बिम्स्टेक इस दिशा में काम कर रहा है जी। जो हमारा सहयोग का एक सबसे बड़ा सेक्टर है वो है कनेक्टिविटी जी। तो लैंड बेस्ड कनेक्टिविटी में इस पर बात हो रही है कि हम 7 देशों को आपस में कैसे जोड़ें, और एक मास्टर प्लान भी बना हुआ है जी। और अब हम मास्टर प्लान को कैसे इम्प्लीमेंट करें उसकी दिशा में काम कर रहे हैं, और जब इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा तो ये बिल्कुल संभव होगा कि हम अपने देश से बैंकॉक तक और उम्मीदन उससे आगे भी हम यात्रा कर सकेंगे। अच्छा जी, तो हो सकता है कंबोडिया तक भी जाएं, आगे भी जाएं। आगे इस चर्चा को बढ़ाते हैं। इंद्रमणि पांडे जी, आप भारतीय विदेश सेवा के 1990 बैच के सीनियर अधिकारी हैं और पहले भारतीय हैं जो बिम्स्टेक के सेक्रेटरी जनरल बने। बिम्स्टेक का जो सचिवालय है, अपने दर्शकों को बता दें, वो ढाका में है, बांग्लादेश में है। अब इसकी शुरुआत पर बात कर लेते हैं। बिम्स्टेक के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, हमारे साथ हैं महासचिव, तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सर हमें ये बताएं कि शुरुआत कैसे हुई बिम्स्टेक की और क्यों इसका सेक्रेटेरिएट जो है वो ढाका में बना। जी, बिम्स्टेक ये 7 देशों से मिलकर बना है। ये 7 देशों का समूह है जो आपस में क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पे काम कर रहे हैं जी। 1997 में इसकी शुरुआत हुई जून में, जब भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और थाईलैंड के नेता आपस में मिले और उन्होंने ये निर्णय किया कि हम आपस में सहयोग बढ़ाते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिस पे हम साथ में मिलकर काम कर सकते हैं। दिसंबर 1997 में ही म्यांमार ने कहा कि वो भी इसका सदस्य बनना चाहते हैं। पूरा नाम है बिम्स्टेक का, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बिम्स्टेक, जो अपने दर्शकों को बता दें इसकी फुल फॉर्म। और ये बंगाल की खाड़ी को अब अगर आप इमेजिन करें तो बंगाल की खाड़ी के आसपास कई देश हैं जी। और ये 7 देशों की बात हो रही है, तो ये सिर्फ बे ऑफ बंगाल नहीं, हिमालय तक भी कनेक्ट कर रहा है बिम्स्टेक जी। अब श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड जी, तो 7 देश जो हैं वो मिलकर आपसी सहयोग से इस रीजन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं जी। बिल्कुल, इस उनका उद्देश्य ये है कि जो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं, तो एक साथ मिलकर काम करने से जो हमारे सुरक्षा से संबंधित चैलेंजेस हैं या जो सारे 7 देशों के विकास से संबंधित चैलेंजेस हैं, उस पर मिलकर काम करने से ज़्यादा प्रगति संभव होगी। यह इसका आधार है जी। कई मुद्दे होते हैं या कई ऑब्जेक्टिव होती है, मकसद होता है संस्था का, अपने दर्शकों को बता दें। तो बिम्स्टेक इसका सचिवालय हम आपको बता चुके हैं कि ढाका में है, बांग्लादेश में है, और इसके कई उद्देश्य हैं। इसका मकसद है कि किस तरह से अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाया जाए। तो महासचिव हैं आप हमारे दर्शकों को बताएं, व्यूअर्स को बताएं कि किन किन 7 देशों के लिए बिम्स्टेक काम कर रहा है और इससे कैसे आपस में इन सब 7 देशों को फायदा होगा। ये जो 7 देश है, जब इनका शिखर सम्मेलन हुआ 2022 में कोलंबो में, तो
ये निर्णय लिया गया कि जितने भी सहयोग के क्षेत्र हैं उनको 7 भागों में विभाजित कर दिया जाएगा और हर एक देश को एक क्षेत्र की जिम्मेदारी दी जाएगी जिसमें वो सहयोग को आगे बढ़ाएगा। तो मसलन बांग्लादेश के पास जिम्मेदारी है ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट में आपसी सहयोग बढ़ाने की। भूटान की हम बात करें तो वो इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज में सहयोग को आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य करने की जिम्मेदारी है। भारत की जिम्मेदारी है सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की, क्योंकि जैसे मैंने कहा विकास के अलावा सुरक्षा सभी देशों का एक कॉमन चैलेंज है और भारत ने उसकी जिम्मेदारी ली है। इसके बाद हम बात करें म्यांमार की, तो म्यांमार के पास कृषि, खाद्य सुरक्षा और उससे संबंधित क्षेत्रों की जिम्मेदारी है। श्रीलंका के पास जिम्मेदारी है तकनीकी सहयोग बढ़ाने की। नेपाल के पास जिम्मेदारी है जनसंपर्क बढ़ाने की, सातों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ाने की। और थाईलैंड, जैसा मैंने शुरू में कहा था, उसके पास जिम्मेदारी है कनेक्टिविटी बढ़ाने की, कनेक्टिविटी जो लैंड बेस्ड भी होगी और सी बेस्ड कनेक्टिविटी भी होगी। इस दिशा में प्रगति भी हुई है। अगर हम कनेक्टिविटी की ही बात करें तो एक मास्टर प्लान तैयार हुआ है लैंड बेस्ड कनेक्टिविटी बनाने का और सी बेस्ड कनेक्टिविटी के लिए ये मैराइन ट्रांसपोर्ट कोऑपरेशन एग्रीमेंट नेगोशिएट हो चुका है और अगले शिखर सम्मेलन में जो हमारे नेता हैं वो इस समझौते का जो है अप्रूवल करेंगे और उसके बाद इसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगा। तो इंद्रमणि पांडे जी, आप सेक्रेटरी जनरल हैं बिम्सटेक के और बहुत सारे आपने क्षेत्र गिनाए जिसमें कि जो ये 7 देश हैं बंगाल की खाड़ी के आसपास, जो बंगाल के आसपास वो कॉपरेट कर रहे हैं, वो आपस में कॉपरेशन कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं जी। अब इन सभी जो एरियाज हैं उनके कॉपरेशन के, उनमें क्या कुछ प्रगति हुई है, कुछ अगर आप हमें सब्सटेंशिएट करके कुछ उदाहरण बता सके तो जी। प्रगति हुई है, जैसे हमने तकनीकी की बात की तो ये निर्णय हुआ है कि कोलंबो में हम एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फैसिलिटी क्रिएट करेंगे। अगर हम ट्रेड की बात करें तो 2004 में ही सातों देशों ने मिलकर के एक एग्रीमेंट साइन किया था कि हम एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएट करेंगे, तो उस पर नेगोशिएशंस में काफ़ी प्रगति हुई है और हमें उम्मीद है कि आगे और भी इसमें प्रगति होगी। अगर हम इस इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज की बात करें तो वहाँ पे जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड चैलेंजेस हैं उन पे बात करने के लिए हमने वर्किंग ग्रुप बनाया है। माउंटेन इकोनॉमी पे भी डिस्कस कर रहे हैं। इसी तरह से अगर हम कल्चर और टूरिज्म का देखें तो उसमें भी आपस में सहयोग बढ़ाने की काफ़ी प्रगति हुई है। एक नेटवर्क बनाया है टूर ऑपरेटर्स का, जो डिफरेंट सर्किट्स टूरिज्म के आपस में, जैसे बुद्धिस्ट सर्किट हुई, उसको कैसे जो है उसका उपयोग करके आपस में टूरिज्म में कोऑपरेशन बढ़ाया जाए। तो कई क्षेत्रों में प्रगति हुई है और ऐसी उम्मीद है कि आगे प्रगति भी होगी। सुरक्षा के क्षेत्र में हमने कई क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाया है, क्योंकि भारत ने काफ़ी ध्यान दिया है कि सुरक्षा सभी देशों का एक सम्मिलित चैलेंज है और उस पर हम आगे काम करें। मैं इसमें कनेक्टिविटी पे एक उदाहरण देना चाहूँगा जी। जैसे हमने एग्रीमेंट एक नेगोशिएट किया है मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए, दूसरी तरफ हमें एक मास्टर प्लान बनाया है लैंड बेस्ड कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए। तो अब उम्मीद ये है कि आने वाले वर्षों में जो आपस के 7 देश हैं उनमें कनेक्टिविटी काफ़ी बढ़ जाएगी जी। कनेक्टिविटी की बात हो रही है तो इस पे आपने बात की कि मैरीटाइम जो कनेक्टिविटी ट्रांसपोर्ट कोऑपरेशन जी, ट्रांसपोर्ट कोऑपरेशन की आप बात कर रहे हैं। अब बहुत सारे, कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम बंगाल के आसपास के देशों की बात कर रहे हैं और बिम्सटेक की फुल फॉर्म में ये बंगाल सबसे पहले ही आता है, तो क्या ऐसा होता है कि बहुत सारे मुद्दे जो कि बायलेटरल लेवल पर नहीं रिजॉल्व हो पाते लेकिन मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म पर वो रिजॉल्व हो जाते हैं, क्या बिम्सटेक को इस तरह के एरिया में कहीं एक ब्रेक थ्रू मिला हो कई बार? भारत का इन 6 देशों के साथ काफ़ी अच्छा द्विपक्षीय संबंध है जी।
सभी के साथ सहयोग काफ़ी अच्छा है, पर हमारी कोशिश ये है कि सभी देश मिलकर के अगर काम करें तो कुछ क्षेत्रों में प्रगति ज़्यादा संभव होगी। जैसे अगर हम मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट की बात करें तो मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट से ये सारे देश आपस में जुड़ सकेंगे, श्रीलंका और म्यांमार और थाईलैंड बांग्लादेश के साथ जुड़ेंगे, फिर भारत के साथ जुड़ेंगे और लैंड कनेक्टिविटी के थ्रू नेपाल और भूटान से जुड़ेंगे। तो इससे व्यापार में भी प्रगति होगी, जनसंपर्क में भी प्रगति होगी, टूरिज्म ज़्यादा होगा, कल्चरल कोऑपरेशन बढ़ सकता है, क्योंकि जब लोग आपस में मिलते हैं और एक दूसरे के देश में ज़्यादा यात्राएं करते हैं तो उससे सहयोग के हर क्षेत्र को बढ़ावा मिलता है। तो सर, मैं आपसे समझना चाहूँ, अगर एनर्जी सेक्टर में कोऑपरेशन की बात करें तो ग्रिड कनेक्टिविटी मास्टर प्लान क्या है? इस मास्टर प्लान के पीछे उद्देश्य है कि जो 7 देश हैं उनकी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स को आपस में कनेक्ट करें, जिससे ये देश एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रिसिटी परचेज कर सके या इलेक्ट्रिसिटी सेल कर सके जब भी उनको ज़रूरत हो। और इससे ये हमें फ़ायदा होगा कि सारे देश में जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होगी वो पूरी हो सकेगी, और इलेक्ट्रिसिटी बेच करके कई देशों को आर्थिक फ़ायदा होगा, और जो देश उनको ख़रीदने की ज़रूरत है वो आपस में ही एक दूसरे से ख़रीद सकते हैं। तो सर, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की बात करें या टूरिज्म की बात करें या कल्चरल एक्सचेंज, कल्चरल कोऑपरेशन की बात करें, तो बिम्स्टेक किस तरह से 7 देशों के बीच में आपसी जो रिश्ते हैं उनको मजबूत कर रहा है? शुरू से ही सहयोग कल्चर के क्षेत्र में और टूरिज्म के क्षेत्र में बढ़ावा देने पे काफ़ी जोर रहा है 7 देशों का। और हमारे मिनिस्टर्स जो जी कल्चरल मिनिस्टर्स और एग्रीकल्चरल मिनिस्टर की आपस में मीटिंग भी होती रही है। उद्देश्य ये है कि 7 देश आपस में टूरिज्म को बढ़ाएं, और क्योंकि अगर हम अपनी संस्कृति देखें तो 7 देश की संस्कृति में काफ़ी कुछ समानता है और उनकी जड़ें भी एक ही हैं, तो एक दूसरे के संस्कृति को समझने का और एक दूसरे की संस्कृति को बढ़ावा देने पे भी काफ़ी जोर है। एक बिम्स्टेक कल्चरल ऑब्जर्वेटरी भी बनाई जा रही है, जिसमें जो हमारे अलग अलग कल्चरल ट्रेडिशन है उनका एक साथ दर्शकों को देखने का मौका मिलेगा। जी, तो कई उद्देश्यों पर काम कर रहा है बिम्स्टेक, और इंद्रमणि पांडे जी उसके सेक्रेटरी जनरल हैं, और जिस तरह से हम कह रहे हैं, देख रहे हैं कि जो बंगाल के आसपास कई देश हैं आपसे सहयोग कर रहे हैं, कई सेक्टर्स में सहयोग कर रहे हैं, बहुत सारे सेक्टर्स आपने गिनाए। बहुत बहुत शुक्रिया इंद्रमणि पांडे जी हमसे बात करने के लिए और बिम्स्टेक से जुड़े कई मुद्दों को, कई पहलुओं को हम बताने के लिए। धन्यवाद।